तो भाई, और राम राम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल समर कटारे फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी इसी के साथ होया करिए जी। अब मैडम को हटा दिया फेवरेट मोड से, फेवरेट मोड में आ गई है अपनी गाड़ी। तो भाई सबसे कौन कौन ने सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ी को ही फेवरेट मानता है, पहले पहले चॉइस पे कि भाई ये मेरे को पसंद आती है यार मोड, मतलब इतनी अच्छी है चलाने में, कम्फर्ट में भाई जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है भाई। मज़ा आ जाता है चला के भी, और मतलब इसके अंदर जो बैठने में फील आता, बंदे देखते हैं अंदर कौन बैठा हुआ है तो भाई। और एक अपनी है भाई बुलेट, ये भी बहुत तगड़ा सौदा है, तो सबसे बढ़िया। और बुलेट भाई बहुत महंगी होगी, इस हमारे बेकन का भी कोई फ़ायदा ना है। सबसे बढ़िया ही आई है 2 लाख कुछ की, तो ये भी हो रखी है अब स्टैंडर्ड भी। तो भाई अपना सही है, मेरे पास बुलेट है पहले से ही, ना तो इसका खर्चा और झेलना पड़ता है, मगर बुलेट लानी, ये लाना वो लाना। तो भाई बुलेट भी, और बुलेट और स्कॉर्पियो किस किस की फेवरेट है वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है भाई। तो चलो भाई अब अपनी फर्स्ट मील ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत। तो भाई मील इज़ रेडी। मील में मेरे हैं 6 अंडे, साथ में 100 ग्राम ओट्स, डेट्स, 2 चम्मच पीनट बटर, 2 चम्मच हनी और आलमंड्स। वॉलनट्स ख़त्म हो गए तो भाई आलमंड्स डाल लिए, और साथ में सीड्स वगैरह, पम्पकिन सीड और चिया सीड कह रहा हूँ, सनफ्लावर सीड्स, ये रही सनफ्लावर सीड्स, ये है पम्पकिन सीड, ठीक है भाई। तो ये है अपनी मील, फर्स्ट मील। इसके बाद चलते हैं अपने बाल कटवाने। थोड़े बाल अजीब से हो रहे हैं और दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो कटवा जाते हैं क्योंकि अब दोस्त की शादी भी आ रही है। मैंने कहा पहले कटवा लेते वो बढ़िया रहेगा, लुक तगड़ा रहना चाहिए ना। चलो जी चलते हैं फिर आज बाल कटवाने। भाई आज तो बाल कट नहीं पाए हैं क्योंकि भाई जो मेरे बाल काटता है वो रिजवान ने फ़ोन नहीं उठाया था ना, कैश वाले को करा, वो कह रहे 10 बजे तक आएंगे, तो फिर 10 बजे गया तो वो मिला नहीं। उसने छुट्टी ले रखी, उसका मैसेज आ रखा था जो इनका ग्रुप होता है, तो मैंने कहा यार फिर एक काम करें, मैंने कहा फिर कल ही आएंगे हम। तो चलो भाई अब अपना नहा धो के चलते, एक काम है वो काम करके आते हैं फटाफट से, ठीक है मैडम जी। और मैट लगवा लाए आज, हाँ, गाड़ी मैट भी लगवा लाते हैं साथ। आज गाड़ी में मैट लगवा लाते हैं, दिल मिट्टी मिट्टी बहुत हो रही है। हाँ वो मिट्टी है उसे चिपक जाएगी, वो जो वैसा कपड़े वाला है साफ नहीं होगी, वैक्यूम क्लीनर से होगी पैसे। तो चलो भाई आज दिखाते हैं स्कॉर्पियो में, थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, जरूरी है ना तो फिर बेकार हो जाएगी गाड़ी, उससे बढ़िया है पहले ही धीरे धीरे कराते रहेंगे काम। धीरे धीरे एक दो काम करवाता रहूंगा तो सही रहेगा। तो चलो भाई चल रही है अपना गाड़ी का, थोड़े मैट वैट लगवा जाते हैं, अगर कुछ और पैसे का जुगाड़ हो पाया तो थोड़ा बहुत या तो कैमरा वैमरा भी लगवा ले हैं मैडम, देखते हैं जैसा बजट बनेगा वैसे करवा ले, अगर सस्ते सस्ते लग गए तो सही है, नहीं लगे तो वापस आ जाएंगे। भाई बताऊं क्या यार, अब गाड़ी ले तो ले आदमी, अभी उसके अंदर एसेसरीज लगवाने के पैसे खत्म हो जाए यार, कैसे करे यार, बर्बस कितना हो रहा है यार। मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं घर चल देंगे, करते हैं जुगाड़ करते हैं कहीं ना कहीं से। चलो जी तो आ जाए हम जीतू की दुकान पे। जीतू सर अच्छा ये है दुकान, दूर नहीं है, नहीं मैं यहाँ पहली बार आई हूँ इसलिए मुझे दूर लगी है। ओ छोटा सा पप्पी तो साइड हो ना, जो भी देखने दो, कह तो रहा था उस दिन लेके आए हूँ। कितना छोटा सा है, अभी मैं इसको ले आऊंगी जब आप मेरी बना देना, मारूंगा छोटा है वो लग रही है कुत्ते को ठंड ना लगती, ये तो रही दिखी नहीं रही है, इसी के बताते जो लाया हूँ। अभी तो गंदा हो रहा है ना, नहला नहीं सकते ठंड में इसको, एकदम गुड्डे की तरह लग रहे हैं। इसकी नाक ही नहीं दिखी, आंख और नाक सब सेम लगता है इसका। चल भाई काम करना है आपके लिए, काम ले गए जीतू सेठ, क्या पीछे हमारी यूट्यूब आईडी डाल और गाड़ी कैसे सजाया जाए वो लगा। चैनल का नाम डालना भैया, हाँ चैनल का नाम दोनों का, ऐसा तो पप्पी लेके आ सकते हैं हैं, ये छोटा ही रहेगा ना, हाँ बराबर
शिव मार्ट, इससे हम लिखवा रहे हैं नेम अपना पीछे यूट्यूब का और खाटू श्याम का पूरा, तो ये सारा काम आज ही करा लेते कि आना ना पड़े दोबारा, एक बार में हो जाए। ये बड़ी इजीली हट गया, मेरा पर्स रखा है। तो भाई साथ साथ करा रहे थे मैट का काम भी, रोज रोज आना नहीं पड़ेगा, एक बार में काम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। मिट्टी मिट्टी हटा दे पहला, मिट्टी हो रही है इसके अंदर। कपड़ा ले आए तो वैसे साफ कर दे, कपड़े से कटना पड़ेगा भैया। तो भाई आज इधर इधर लगाना है, यहाँ मैं बैठता हूँ ना तो यहाँ आएगा। तो भाई अपना लगवा दे यूट्यूब का, हाँ यहाँ लगा दे, थोड़ा थोड़ा आगे कर दे, इसका नाम आना दे, ये आगे भाई नाम आईडी सर्च कर लो, ठीक है। अब बीच वाले इधर भाई जय श्री राम। हाँ तो भाई गाड़ी में मैट वैट लगवा दिए, देख लो एक बार, मैट बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। यहाँ पे भी पूरा परफेक्ट लगा दिए हैं, तू भी दिखाई थी दिखा, ठीक है। तो भाई मेरे छोले भटूरे आए हैं, नहीं पहले चूर चूर नाना है, नहीं छोले भटूरे नहीं है, चूर चूर नाने के, चूर चूर नाने भाई, हाँ ये तो मेरा सौदा भाई। छोले भटूरे कितने देर मारे, नाइस, कितना प्लेट भटूरे, एक ही है, एक प्लेट, हाँ। तो ये मेरा सौदा है भाई, मैडम का सौदा भी आएगा, मैडम खा ले जब तक, तो भूख तो लगी, मुंह देख के आ रहा है, वाटरी वाटरी हो रहा है। मैडम इतनी जल्दबाजी, मैडम मुझे छोले भटूरे आ गया, इस साइड से दे दे भाई, मैडम मुझे छोले भटूरे आ गए, मेरे को ना लगता है खा लेगी, गणेश जी हैं, ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद भाई, ऐसा लग रहा भटूरे के देने चाहिए थे, कोई ना ले लियो, भटूरे ये देने चाहिए थे, सब्जी वो दे दीजिए थी, इसको मेरा गाना पसंद आ रहा है, मेरे को पता है इसके बहुत नाम सुना है कि इसने सिविल लाइन के खाया है, इसने खाया उसने खाया है, सिविल लाइन के छोले भटूरे बहुत फेमस है दिल्ली से गुड़गांव का, बताते कैसे आज स्पाइसी बहुत है, पर नहीं पक्का नाइस, ठीक है बढ़िया भाई। तो भाई हमें नहीं पता था कि कोई हमसे मिलने आ रहा है, वो भी इतनी दूर से, किसी के थ्रू लेके आएंगे, हाँ। तो कहाँ से आए हो, उनका जगह, तो बताओ अपने बारे में, आपका नाम क्या है, मेरा नाम है शिखा चौधरी फ्रॉम गाजियाबाद, मैं स्पेशली आप लोगों से मिलने आई हूँ, लेके आने वाला बंदा ही, तो भाई कैसा लगा मैडम आपको मिलके, मैडम से मिलना है ना, बाहर भी खड़े हो गए थे, मैडम खड़ी होगी बाहर, तो तब भी एक दो लड़की आ गई थी, किसी की मदद भी थी, हाँ। तो आता है कोई कोई बात नहीं, मिल लो आप, हम तो वेट किया मिलने के लिए, आज सुबह गए थे हम काम में बिजी थे आज, हाँ वेट मारता फिर, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट, आज करेंगे हम बैक,
तो बैक में 5 एक्सरसाइज रहेगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लैट पुल डाउन से। तो खाया तो ऐसे वैसे कुछ नहीं हुआ, खाया तो चूर चूर नान, उससे देखते आज एनर्जी कितने लगती है, उससे एनर्जी मिल रही भरपूर। अकेले अकेले खाए हैं, पेट में दर्द मना कर दिया बस, और देख लीजा। इसके हम करेंगे 4 सेट। अभी वार्म अप लेते हुए जाएंगे, फर्स्ट सेट दिखाता हूं मैं कितने से लेता हूं। आप भी रैप करवाए हो जैसे मैं करवाता रहता हूं ना, आपको पकड़ पाऊंगा या मसल्स को पकड़ लूंगा, तो वैसे करवाए हो। चलो इतने रैप मारे, चलो इतने ये कर बोलूं ही ना। हां बोलो ना, आप पूछ रहे हो इसको करने से मैं आपको रैप करने से, ठीक है ना। तो चलो भाई अपनी सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, वन आर्म विद रोड। ये फर्स्ट सेट है, यस, इसमें हमें 8 रैप करना है, ठीक है ना। 35 ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 फिर मैं एक्सरसाइज करता हूं, 5, 6, 7 दो तीन बार करता हूं मैं, ये फॉर्म सही हो जाएगी थोड़ी। तो भाई अपनी थर्ड एक्सरसाइज करते हैं डांटे रोज। डांटे रोज के यू को पता नहीं होगी भाई, गेनिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बढ़िया, जो सेपरेशन भी लाएगी और साथ में मसल जो बैक की थिकनेस है उसको बढ़ाती है। तो इसको करना कैसे वो दे दूँगा। तो भाई इसके 4 सेट करने हैं और सब में 12 या 15 रैप की रेंज रखनी है और अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। और वेट बढ़ाते हुए चलो तो और अच्छा है, वेट डिक्रीज में करना है वो भी चलेगा। स्टार्ट कर दे। तो भाई फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी स्ट्रिप डेडलिफ्ट विद डंबल। तो इसके हमें लगाने हैं 4 सेट और 12 रैप हर सेट में। तो वेट को कंट्रोलिंग रैप में ले जाना वो इम्पोर्टेंट है, वेट चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो कैसे कर लो, पर वेट को कंट्रोलिंग मूवमेंट में ले जाना जरूरी है। तो इसे 4 सेट लगाने हैं 12 रैप। तो अभी मैंने 2 सेट 20 से लगाऊंगा, 1 सेट 15 से। स्वा किस टाइम पर भाई भूल गया भाई, देखता भाई मैं भूल गया। तो भाई अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स फ्लाई। तो इसमें 4 सेट लगाने और सब में 15-15 रैप रहेंगे, 15 रैप से कम नहीं लगाने। स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो भाई मैडम ने यहाँ बैठा रखा हूँ चेयर पे। मैडम कह रही बताओ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ।
और मैडम आप क्या बना रहे हो? मैं पोहा बना रही हूँ, सुबह सुबह का मैं दलिया पहले पोहा खाऊंगी, दलिया खाऊंगी कि मेरा कुछ बड़ा खाने का मन था, रोटी खाने का मन नहीं था। तो पोहा मैडम ने बना लिया है, मेरी वेजेस कर दी हैं, मेरा फेस हो गई है और मैडम ने भाई खाली आखिरकार खाली करवाई दी है। मैडम इसमें पता नहीं क्या क्या रखोगे इसमें? बिस्किट तो यार वैसे ही बहुत रखे हुए हैं। सीधी सीधी इसमें डाल दूंगी पैकेट। अच्छा कभी भी खाना नहीं खाता। इसी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। दिखाओ थोड़ा बंद करो ना कैमरा। निकाल ले तो दो। तो चलो जी भाइयों सोने का टाइम हो गया है क्योंकि भाई बहुत थक गया हूँ क्योंकि आज है ना दोपहर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा। तो अब सोने का टाइम है, अपना टाइम से सो, टाइम से उठो, वो जरूरी है। मैं तो घर पे सो रही थी। हैं? मैं तो घर पे सो रही थी। अरे तू भी तो साथ ही थी, दिमाग है तो सब पूछ भी रहे। मैडम हर बारी लास्ट वाली वीडियोस में फोन में क्यों लगे रहते? ये अपना व्लॉग एडिट कर रहे रहते इसलिए लगे रहते भाई। सोने का टाइम हो रखा होता है ये, क्योंकि भाई इसके बाद हम व्लॉग एडिटिंग पे करके छोड़ देते हैं और फिर सुबह उठते इसको लगा देते हैं। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाती है। काम तो बहुत करना पड़ता है, इसमें एडिट करना, वो करना। जैसे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी वीडियोस भी मिल रही है। और भाई यही बोलूँगा कि प्यार बनाए रखो, प्यार प्यार करें, सपोर्ट बनाए रखें। एंड भाई ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कोई भी बंदा मिले आपको, क्योंकि आज भाई इतने दूर से वो लड़की मिलने आई ना, बहुत दिल खुश हो गया यार। गाजियाबाद से स्पेशली हमारा वेट भी किया। साक्षी थी, साक्षी नाम था ना, एडवोकेट है गाजियाबाद से। और भाई पहले अपना काम निपटाया फिर मिलने आए। ऐसा भी नहीं भाई, देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप काम कुम छोड़ के, अपना सारा सिस्टम पानी छोड़ के आप हमसे, वो भी चीज़ नहीं भाई। अपना काम भी करो, काम करने के बाद मिलने आओ ना, उसमें अलग ही खुशी रहेगी। क्योंकि आपका काम एक बार हो गया है, उसके बाद आप मिलने जा रहे हो किसी से या कुछ भी है तो वो अच्छा लगता है। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्तों। एंड भाई ऐसे ही मिलते रहा करो, जैसे आज मिलने ये आई है ना इतने दूर से। भाई कई बार हमारा प्लान बन जाता है तो हम वहीं के वहीं मिल लेते हैं, और नहीं बन पाता तो भाई प्लीज़ मिलने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय।